हज़रत आयशा किस किस्म की खातून थी, और एक तरफ वो मौला अली के खिलाफ थी तो दूसरी तरफ मोमिनीन की माँ, क्या हम उनसे नफरत या मोहब्बत कर सकते हैं? तवज्जो फरमाएं, शख्सियात के किरदार मुख्तलिफ रहे हैं सदर इस्लाम में। बड़ी नामदार शख्सियात, नामावर शख्सियात जो रही हैं साहबा, मुख्तलिफ उनके किरदार रहे हैं। अब यहां पर इफरात और तफरीत मौजूद है। एक तरफ अहले सुन्नत का नजरिया है कि ये, बल्कि चंद दिन कबल ही मैं एक क्लिप सुन रहा था एक आलम दीन का, अहले सुन्नत के आलम दीन का, तो वो ये कह रहे थे कि यानी इस्मत वाकई उन्होंने दावा इस्मत किया साहबा के बारे में कि साहबा खता नहीं करते, गलती नहीं करते, गुनाह नहीं करते साहबा। ये सरीहन कुरान के खिलाफ है, तारीख के खुद अहले सुन्नत के अपने मकतब के खिलाफ है कि मासूम नहीं है साहबा। ये बहुत इफराती नजरिया है। एक तरफ हम ये ख्याल रखें कि बिलाखर शख्सियात के मुख्तलिफ किरदार रहे हैं जो तारीख ने वाज़े तौर पर लिखे हैं, शिया सुनी दोनों भी उनको मानते हैं, लेकिन अब इन किरदारों के बाद हम क्या करें, हमारा क्या हक बनता है और हम कहां तक जा सकते हैं आगे? ख्याल रखें ये यकीनन कि ज़ौजा रसूल जंग जमल में इन्होंने राहबरी की, बकायदा जंग की अली अलैहिस्सलाम के साथ। जब जंग का खात्मा हुआ और असीर हो गए कुछ लोग और शिकस्त खा गए, तस्लीम हो गए सब, हजरत ने इनको इज्जत और एहतराम के साथ जमल से बसरा से मदीना पहुंचाया और इनके भाई को साथ भेजा ताकि कहीं भी इनकी बेहतरामी, उन्होंने गलती की, इश्तबा किया, और वो सब वाज़े था। ज़ाहिर है अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा दुख हमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने जंग भी की तो अली अलैहिस्सलाम के साथ की। अब आप ना कहें कि आप अली से भी बड़े शिया हैं, अली से भी ज्यादा अली के ज्यादा हमदर्द है, अली से ज्यादा अली का हमदर्द कोई भी, लेकिन एहतराम के साथ हजरत ने उनको मदीना पहुंचवाया। इख्तलाफ अपनी जगह, खुतबा भी दिया, उनके मजम्मत भी की, उनके अमल की, बहुत कुछ किया, लेकिन बेहतरामी नहीं की। क्यों नहीं की? रसूलुल्लाह की वजह से, उस निस्बत की वजह से, रसूलुल्लाह की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अमल की ताईद हो सकती है, ना, अमल की ताईद किसी लिहाज से नहीं हो सकती, लेकिन बाज चीजें ऐसी, मसलन अभी हम शबीये बनाते हैं, अलम बनाते हैं, अब अलम बनाते हैं बाजार से कपड़ा लेकर आते हैं, उसका कपड़ा भी बाजार से लाते हैं और वो बांस भी बाजार से, मामूली चीजें खरीद के लाते हैं, लेकिन उसको जब आप मंसूब कर देते हैं सईद शुहदा से, शबी बना देते हैं करबला की, अब उसकी बेहतरामी कर सकते हैं आप? कोई आकर कहेगा ये तो एकदम मैं खुद कपड़ा खरीद के लाया हूं, ठीक है खरीद के लायो, लेकिन आपने जब इसको निस्बत दे दी है अब इसकी बेहतरामी नहीं कर सकते। भाई के एक मामूली कपड़ा है, बेहतरामी नहीं कर सकते अभी आप इसकी। इसी तरह ये ज़ौजा रसूल, इनका अमल किसी लिहाज से भी काबिले ताईद व काबिले तस्दीक नहीं था जो इन्होंने खुसूसन अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में अंजाम दिया, और ना आज कोई करता है, ताईद नहीं करता। अहले सुन्नत के उलमा भी, बाज़ ने लिखा भी है और कहा भी है कि ये इश्तबा अमल था, लेकिन चूंकि एक नस्बत रसूलुल्लाह से थी इनको, इसलिए इस हद तक जाना कि जिससे शान रसालत में भी गुस्ताखी होती हो ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, शान रसालत में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। बिलाखिर यह हल्का अक़्द रसूलुल्लाह में थी, उस लिहाज से अमल उनका अपनी जगह है, उसकी तरफ ना आए, वो अपनी जगह मुसल्लम है कि उसकी कोई ना पुरानी शायद है ना इस्लाम में, ना कोई मुनसिफ आदमी उसकी ताईद नहीं करता।